Welcome back, Manyavar, to another video. In this video, we are going to talk about what are the top important questions to keep in consideration that you have to prepare for your visa interview. So let's go. Let's start the video. So, dekho Manyavar, sabse pehle, whoever is applying for Poland study visa for the October intake, best of luck, good luck to you all. So, the first and the most important question would be like, why Poland and what course you are doing. Be firm on your decision, like I'm going to do this course and I'm passionate about this course. This university has this course and I found this. ऐसे ऐसे करके आपने बताना है कि मतलब ये कोर्स मेरे को इसी यूनिवर्सिटी में मिला और इसी यूनिवर्सिटी में मेरा पहला एक्सेप्टेंस हुआ, ऐसे ऐसे स्टोरी बता देना आप. और एक्सेप्टेंस मिला तो मैंने फ़ीस पे करी और फिर मेरा सारा प्रोसेस हो गया. अब मेरे को दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर आपको एक्सेप्टेंस मिला तो आप बता सकते हो, बट कह देना कि मैंने ये प्रेफर करा क्योंकि ये सिटी मेरे को अच्छी लगती थी. सिटी के बारे में थोड़ा जान लेना, थोड़े फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेना, सिटी में क्या है, कैसा है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ जा सकते हो आप, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना. और हाँ यार, मैं ज़रा विंडो क्लोज़ कर दूँ, आवाज़ आ रहा होगा ना, तो थोड़ा सा आवाज़ कम हो गया होगा क्योंकि विंडो मैंने क्लोज़ कर दी है, बट स्टिल आ रहा होगा क्योंकि मेरे सामने ही रोड है. तो anyways, let's move on. तो why Poland? Poland ही क्यों? आप बता सकते हो कि मान लो जब आप अप्लाई कर रहे थे तो और कोई यूनिवर्सिटी या फिर और कोई कंट्री का इनटेक ऑन नहीं था या आप लेट थे अप्लाई करने में. मेरे केस में मैं लेट था क्योंकि जुलाई में मैंने प्रोसेस स्टार्ट करा था और तब तक जर्मनी वगैरह और सारी कंट्रीज़ का बंद हो चुका था. यूके और पोलैंड बचा था, लेकिन यूके बहुत एक्सपेंसिव है भाई, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया. ठीक है, रीज़न फॉर दैट. बट एनी वेज, दैट्स माई केस. आपका कुछ और केस हो सकता है. आप कह सकते हो कि पोलैंड मेरे को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो मेरे बजट में था, फाइनेंसिस में कवर कर सकता था. लेकिन फिर भी भाई, फाइनेंसिस अगर बहुत कम है ना तो चांसेस कम होते हैं आने के. तो आपसे ये पूछेंगे दूसरा क्वेश्चन कि हाउ यू विल कवर योर एक्सपेंस इन पोलैंड. आपका कोई स्पॉन्सर है, पापा मम्मी बहन या कोई भी ब्लड रिलेशन का अगर स्पॉन्सर है, बहुत बढ़िया, तो आप उनका स्पॉन्सरशिप लेटर लगा देना और दिखा देना कि ये बंदा है मेरा स्पॉन्सर. अगर आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आपका बैचलर्स के बाद एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया. ठीक है, और पैसा अच्छा खासा होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस दिखाने के लिए. तो यू कैन मेंशन लाइक आई हैव क्रेडिट कार्ड ऑफ दिस लिमिट. ठीक है, लिमिट मैंने बता रखी है. लिमिट यार 5 to 7 lakhs एंड अबव अगर है तो बहुत बढ़िया. ठीक है, इस ब्रैकेट में तो आपका हाइयर चांसेस हैं. तो बैचलर्स के लिए आ रहे हो फिर तो 7 and above ले गया और बहुत बढ़िया रहेगा. तो ऐसे कह सकते हो कि फाइनेंसेस ऐसे कवर हो जाएंगे, मेरा स्पॉन्सर है, मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट इतना है. ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन. मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रहा, लेकिन ये तीन क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा, दो बता चुका, ये तीसरा जो बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है. पोलैंड में स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद क्या, लाइक व्हाट यू विल डू आफ्टर योर स्टडीज़ आर कंप्लीटेड इन पोलैंड, लाइक व्हाट आफ्टर दैट, ऐसे करके आपसे कुछ पूछेंगे वो. तो उसका रीज़न आप दे सकते हो कि मेरे प्लान्स हैं इंडिया में वापस आने के. अगर आप बिज़नेस का कुछ कोर्स कर रहे हो तो यू कैन से इंडिया में मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है. या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया में मेरा किसी फैमिली बिज़नेस वगैरह अगर आपका है तो आप कह सकते हो मैं उसमें कंटिन्यू करूँगा. अगर आप कोई और सेक्टर में कर रहे हो, IT वगैरह में, तो यू कैन से लाइक आई हैव नो प्लान्स टू सेटल एनीवेयर एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग IT रिलेटेड कोर्स, है ना. और मैं शायद इंडिया जाके बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज को ज्वाइन करूँगा क्योंकि मेरी सिटी में बहुत सारी हैं. नहीं भी हैं तो बता देना यार गुड़गांव वगैरह के बारे में, गुड़गांव, बेंगलुरु, IT हब, ऐसे ऐसे कह देना. और ये सारे रीजन्स कह के अपने डिसीजन पे फर्म रहना कि भाई इंडिया में वापस आऊँगा, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आ रहा. तो ये क्लियर करना. अगर ये क्लियर कर दोगे और उसके बाद फिर एक आधे क्वेश्चंस और मैं बताता हूँ. ठीक है, तो ये यहाँ तक जो टॉप 3 क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर दिए. उसके ऊपर वो आपसे पूछ सकते हैं भाई तुम पोलैंड जा रहे हो, तुम रहोगे कहाँ, तो बता सकते हो मेरे को यूनिवर्सिटी से डॉर्म मिला है. अगर नहीं मिला है तो तुम ये बता, अगर यूनिवर्सिटी से डॉर्म नहीं मिला है तो यू कैन से लाइक आई हैव बुक माय हॉस्टल. होटल बड़ा महंगा होगा, हॉस्टल कर सकते हो, Airbnb कर सकते हो 2 weeks के लिए, 1 महीने के लिए, तो वो दिखा देना और कहना वहाँ जाके मैंने ढूंढ लेना है. एंड आई एम इन टच विद सम पीपल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस एंड आई विल बाय अ प्लेस टू लिव देयर, ऐसे ऐसे करके आप बता सकते हो. और भाई फेसबुक मार्केट प्लेस पर आपको मिल जाएगा, चांसेस बहुत हाई होते हैं वहाँ पे. पैसा होना चाहिए, जिसमें भी पैसा है उसको मिल जाएगा. और पैसा का ब्रैकेट में बता देता हूँ कि 1500 मिनिमम, 1500 PLN मिनिमम होना चाहिए आपके पास पोलैंड में कहीं भी एक रूम रेंट करने के लिए. ठीक है, उसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट, जितनी लग्जरी आपको चाहिए उस हिसाब से आप दो दो तीन तीन
1000 या 3000 PLN खर्च कर सकते हो लैविश लाइफ जीने के लिए, ठीक है। बट स्टूडेंट्स के लिए 1500 मिनिमम यू मस्ट हैव, ठीक है। सो इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पोलैंड में या पोलैंड के बारे में क्या क्या जानते हो, तो पोलैंड के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए पोलैंड को लेके, है ना। तो वो सब आप बता सकते हो, बट एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा, कभी भी पोलैंड को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री मत बोलना, इसको हमेशा बोलना सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। ईस्ट वर्ड पोलैंड के लिए कभी यूज़ मत करना, नॉर्मली यू कैन यूज़ आफ्टर कमिंग इन पोलैंड बिकॉज रियलिटी इज़ दैट, बट स्टेट इन वीज़ा इंटरव्यू यू शुड से दैट इट्स अ सेंट्रली लोकेटेड यूरोपियन कंट्री। और वैसे भाई सेंटर में जर्मनी के बगल में ही है, ठीक है, लेकिन पोलैंड के साथ जितने भी कंट्रीज हैं इधर वो सारी ईस्टर्न यूरोपियन कह सकते हो, और बाल्कन्स वगैरह, लेकिन इनको नहीं कह सकते आप, ठीक है, इनको पसंद नहीं है वो सुनना वीज़ा इंटरव्यू वगैरह में, खास करके अगर वो पोलैंड को लेकर काफ़ी प्राइडफुल हैं तो। और भाई कोई भी एम्बेसडर पोलैंड का वो प्राइडफुल ही होता है पोलैंड को लेकर, तो इसलिए अपनी कंट्री के बारे में कभी बुरा नहीं सुनेंगे, तो भाई अच्छा ही बोलो। और तुम इस कंट्री में आ रहे हो तो कुछ मतलब अच्छा ही देख के आ रहे होगे, हर कोई बुराई नहीं करता ना जिस कंट्री में उसको जाना है, तो फिर यही है भाई, गुड गुड बोलो बस, डोंट लाई ऑफ कोर्स बट बी ऑनेस्ट एंड एट लीस्ट डोंट से थिंग्स दैट कैन ऑफेंड देम, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर कोई और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो इस कमेंट मतलब यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हो आप इस वीडियो की, मेरे को इंस्टाग्राम में इंडिविजुअली इससे रिलेटेड पूछते हो यार क्वेश्चंस वगैरह, तो बड़ा मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरी एक पर्सनल लाइफ है, वो भी मेरे को जीनी है, ठीक है। तो कमेंट्स में पूछो यूट्यूब कमेंट्स में, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर इस वीडियो से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो और इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड मत पूछना, और मेरे से पर्सनल चैट का टाइम मेरे पास नहीं है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहुत लोग एक एक छोटी छोटी डिटेल्स पूछते हैं, भाई तुम्हें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है ना वही मेरे से पूछा करो, और बेझिझक पूछो, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे को लिखो ही मत, ऐसे नहीं कह रहा मैं, लेकिन फिर भी जब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या अबाउट सेक्शन में भी जाके। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।